में हुए मंडल अध्यक्ष के चुनाव को विजय बघेल ने फर्जी बताया। सांसद विजय बघेल ने बीजेपी की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और अपने चहेतों का नाम सूची में डाल दिया गया। बीजेपी ने अपने चहेते को मंडल अध्यक्ष का पद दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 32 बंगले से मंडल अध्यक्ष का चुनाव कराया है। ना यहाँ के सांसद से पूछा जा रहा है, ना यहाँ के पूर्व मंत्री से पूछा जा रहा है, ना वर्तमान विधायक से पूछा जा रहा है। किसी का कोई दूसरे मंडल संगठन के पुराने लोग हैं, जिले में पुराने हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, किसी का कहीं सहभागिता नहीं चुनाव में, कहीं पे बैठ के नहीं हुई किसी मंडल में। और 32 बंगले में बैठकर ये लोग पूरी लिस्ट बना ली और लिस्ट जारी कर दी। अगर घर में ही ये सब करना था तो फिर ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? काहे सक्रिय सदस्य, काहे बूथ अध्यक्ष? और ऐसी ही मनमानी इस पार्टी में चल रही है, जिसके कारण पूरे भिलाई जिले में और दुर्ग जिले में पूरा आक्रोश है। पत्रकारों की कई गांव